हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन फॉर न्यूज। रमजान से जुड़े वो झूठ जिन्हें सच मानते हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाले हैं रोजे के बाद जो ईद होती है उसे ईद उल फित्र कहते हैं। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फितरा बांटा जाता है। यही वजह है कि इस ईद को ईद उल फित्र या ईद उल फितर कहा जाता है। फितरा एक तरह का दान होता है जिसे रोजगारों को रोजा पूरा करने पर दिया जाता है। वही इस बार माह रमजान में 5 जुमे पड़ रहे हैं। पहला जुमा रमजान शुरू होने के अगले दिन 18 मई को था। वही 15 जुमों को आखिरी जुमा होगा। 15 जून को आखिरी जुमा होगा जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। आखिरी जुमे के अगले ही दिन ईद मनाई जाएगी। आज यहाँ आपको रमजान से जुड़े मिथक और सच के बारे में बताया जा रहा है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। रमजान के महीने में आप ब्रश नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि यह बात सरासर गलत है कि रमजान के महीने में दांतों को साफ या कुल्ला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोजगारों और नमाज अदा करने वाले के लिए इस्लाम में सिवाक नाम का नियम बनाया गया है जिसमें दांतों को साफ करना जरूरी माना जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो नमाज पूरी नहीं मानी जाती है। इन 3 नियमों को पालन न करने पर पूरी नहीं होती जुमे की नमाज। हर किसी को रमजान में रोजा रखना जरूरी, लेकिन सच यह है कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान को रोजे रखने की है। जी हाँ, इस दौरान बीमार लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग और लंबा सफर कर रहे लोगों के लिए रोजा रखना अनिवार्य नहीं है। वो अपने सेहत के अनुसार रोजे रख सकते हैं। रमजान के दौरान रोजेदार अपना थूक अंदर नहीं ले सकते, लेकिन सच यह है कि गैर मुस्लिम लोगों में सबसे बड़ा मिथक यही है कि रोजे रख रहे लोग अपना थूक अंदर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोजे के दौरान पानी तक नहीं पिया जाता है और इसी वजह से थूक भी अंदर नहीं लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। रोजेदारों के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन सच ये है कि क्योंकि रोजे के दौरान कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, इसी वजह से लोग ऐसा मानते हैं कि रोजेदारों के सामने कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ मिथक है। जबकि सच यह है कि इस्लाम धर्म के मुताबिक रमजान के महीने को नेकिया, आत्मनियंत्रण और खुद पर संयम रखने का महीना माना जाता है। मुसलमानों का रमजान के दौरान खुद पर इतना नियंत्रण होता है कि उनके सामने खाना खाने से उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यह बात पूरी तरह से झूठ है कि रोजेदारों के सामने खाना नहीं खाना चाहिए। रमजान में रोजे के दौरान गलती से कुछ खाने पर रोजे टूट जाते हैं, लेकिन सच यह है कि हर धर्म में व्रत या रोजे का रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को याद करने और खुद पर संयम के लिए रखा जाता है। अगर काम के दौरान या फिर भूल से कुछ खा लिया हो तो व्रत या रोजे नहीं टूटते। हाँ, अगर जानबूझकर रमजान में रोजे के दौरान कुछ खा लिया जाए तो अब रोजे जरूर टूटेंगे। पीरियड्स के दौरान रोजे टूट जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है कि रमजान के महीने में ऐसा माना गया है कि महिला रोजे के दौरान जितने भी दिन के लिए पीरियड्स से होती है उस समय रोजे माफ होते हैं। जितने भी दिनों के लिए रोजे छूटते हैं उन्हें ईद के बाद पूरा किया जाता है। इस्लाम धर्म में हरे रंग को क्यों माना जाता है? सच यह है कि नमाज से पहले दांतों को साफ करने यानी कुल्ला करने को अनिवार्य माना गया है। ठीक इसी तरह इस दौरान खुद को साफ रखना की भी मनाही नहीं, इसलिए रोजेदार इस दौरान बालों में तेल, शैम्पू और शरीर पर इत्र भी लगा सकते हैं लाजवाब रमजान में। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।